गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ऑलराइट, बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, तो जिसका सर ये पुराने चैप्टर्स नहीं कंप्लीट, पहले वो पुराने चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, देन ये वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिए. देखिए स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपका चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का, इसमें हमने किस किस चीज़ों के बारे में मेनली बात करनी है. इसमें हमने बात करनी है एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में फाइंड आउट क्या क्या चीज़ें करनी है. तो सबसे पहले जो तुम लोगों ने करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम. ऑलराइट, सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है बच्चे. लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है. इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी होती है, LSA एंड CSA, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया. ऑलराइट, अब लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या. मान लीजिए आपका एक रूम है, ये आपका रूम है, ठीक है, दिस इज योर रूम. ठीक है, आपके रूम में चार वॉल्स होती हैं और एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है. जब आपको कहा जाए लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, इसका मतलब कि आपको सिर्फ चार वॉल्स का एरिया निकालना है. चार जो वॉल्स है ना आपके कमरे में, 1, 2, 3, 4, चार वॉल्स का एरिया ही आपने सिर्फ निकालना है, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं निकालना. लेटरल मतलब कर्व्ड, कर्व्ड मतलब जहाँ पे सिर्फ चार वॉल्स की बात हो. ऑलराइट, जब चार वॉल्स होंगी तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया. जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों वॉल्स प्लस टॉप एंड बॉटम भी, चारों की चारों वॉल्स आपके रूम की, साथ में टॉप पोर्शन भी और बॉटम पोर्शन भी. ऑलराइट, तब हम बोलेंगे कि हमें किसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का. अब वॉल्यूम कब यूज़ करते हैं हम, जब हमने चार वॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, टॉप भी है बॉटम भी है, साथ में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है जो अंदर चीज़ें होती हैं. मान लो बेड पड़ा है, अंदर किसी चीज़ ने कितनी स्पेस घेरी है, अंदर का पोर्शन भी जब हम काउंट करते हैं तब हम निकालते हैं वॉल्यूम. ऑलराइट, मैं दोबारा बता देती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ चार वॉल्स का एरिया निकालना होता है. टोटल सरफेस एरिया हम कब यूज़ करते हैं, जब चार वॉल्स साथ में टॉप साथ में बॉटम का एरिया निकालना होता है. ऑलराइट, और वॉल्यूम कब यूज़ करते हैं हम, चारों वॉल्स का टॉप बॉटम और इनर भी, अंदर का भी निकालना. ऑलराइट, तो ये था तो आपका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, अब तो कुछ कुछ ऐसी फिगर्स हैं जिन फिगर्स का आपको एरिया निकालना होगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालने होंगे. अब वो फिगर्स कौन कौन सी हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, अब मैं आपको ये बता देती हूँ. ऑलराइट, सबसे पहली जो आपकी फिगर है, सबसे पहले है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड कैसे बनता है, ये होता है हमारा क्यूबॉइड. ऑलराइट, ये होती है क्यूबॉइड की लेंथ. लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से. ऑलराइट, ये होती है हमारी ब्रेथ. ब्रेथ को हम डिनोट करते हैं बी से. ऑलराइट, एंड ये होती है हमारी हाइट. हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से. ठीक है, मतलब इसमें मेन तीन चीज़ें होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्लियर, अब इसका फॉर्मूलाज क्या क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे.
सबसे पहले हम इसका लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया भी जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच। ये होगा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच। ऑलराइट, देन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चे, 2 into लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ऑलराइट, एंड देन होगा इसका वॉल्यूम का, ये एल एस से मतलब लेटरल सरफेस एरिया, टी एस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, एंड लास्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऑलराइट, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी एच। क्लियर, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्यूबॉइड आपको पता है ना, क्यूबॉइड होते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी अलग अलग हो, सबकी साइड्स अलग अलग हो, ये होता है क्यूबॉइड। नेक्स्ट हमने निकालना है क्यूब का। क्यूब क्या होता है बच्चे, क्यूब होता है जिसमें सबकी साइड सेम हो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम हो, वो होता है क्यूब। सो दिस इज क्यूब। क्यूब में क्या होता है, सबकी साइड सेम होती है, तो इसकी हम साइड्स को क्या लिख देते हैं, ए, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। तो साइड्स इसमें क्या हो जाएंगी, ए। साइड को हम किससे डिनोट करेंगे, ए के साथ। ऑलराइट, अब इसके फॉर्मूलेस क्या होंगे, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a² मतलब चार साइड्स, 4 into a² मतलब साइड्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 into साइड स्क्वायर मतलब साइड क्या है, a, तो 6 into a². एंड लास्ट इज वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। बच्चे आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे हो, जब भी आपसे पूछा जाए आपको लर्न होने चाहिए इसके फॉर्मूले। ये चैप्टर फॉर्मूले के बिना नहीं हो सकता, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तभी आप ये चैप्टर कर सकते हैं, वरना आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर को ना हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं या फिर सिलेंडर भी बोलते हैं, सिलेंडर जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं ये बिल्कुल उसी की शेप में होता है, या फिर हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब सिलेंडर कौन सी शेप में होता है, ये होता है सिलेंडर। क्लियर, इसमें क्या होते हैं, दो स्फीयर्स और साथ में इनको जॉइन कर देना, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर में क्या होता है, नीचे ये एक रेडियस होता है, इसको भी रेडियस ही बोलते हैं हम, ठीक है। और ये होती है हमारी पूरी हाइट, मतलब रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, इसमें आर से, और हाइट को एच से। ऑलराइट, तो अब इसमें फॉर्मूलास क्या होंगे बच्चे, सबसे पहले हम इसका लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का इसका जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, 2πRh। 2 इज अ न्यूमेरिक नंबर, पाई क्या है बच्चे, पाई जिसके एक फिक्स वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7, ये दो वैल्यूज इसकी फिक्स होती हैं। तो पाई आर मतलब रेडियस एंड एच मतलब हाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, 2πr मतलब रेडियस और ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट। ऑलराइट, लास्ट है इसका हमें लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट,
तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। बच्चे ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपको यही सेम फॉर्मूलाज होंगे, यही सेम चैप्टर होगा, सेम बिल्कुल सेम होगा। तो ये लर्न कर लीजिए, फॉर्मूलाज आगे यही काम आने हैं। फॉर्मूलेज के बिना आपका सम नहीं होने वाला एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, ये होगी हमारी थर्ड फिगर। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ फिगर पे। फोर्थ फिगर इज को, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं राइट सर्कुलर को। ऑलराइट, तो होता इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसको राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर में, इसको भी राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोन में भी ऐसा ही होता है, ये फॉर्म का कोन होता है आपका, ये कोन की फिगर है, ठीक है। अभी सेंटर नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है रेडियस, ठीक है, और ये होगी हाइट, ये हाइट होगी, और ये जो बाहर है ये होगी हमारा एल, ये होती है स्लांट हेड। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनते हैं इसलिए बोलते हैं राइट सर्कुलर को। ऑलराइट, तो आर क्या है इसमें बच्चे, रेडियस, एच क्या है इसमें, हाइट, और एल क्या है इसमें बच्चे, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बच्चे बाहर वाली होती है, ये वाली होती है स्लांट हाइट, अंदर वाली होती है हाइट, बाहर नीचे है रेडियस। ऑलराइट बच्चे, चलिए अब इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। अब पाई तो है इसमें जो फिक्स वैल्यू है, आर हो गया रेडियस, अब एल क्या है, एल है स्लांट हाइट। बहुत सारे सम्स होंगे जिसमें आपको स्लांट हाइट की वैल्यू नहीं गिवन होगी, उसमें आपने स्लांट हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो स्लांट हाइट की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखिए ये फॉर्मूला, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमने निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सॉरी कर्व्ड सरफेस निकालिए, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का बच्चे फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर। ऑलराइट, ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। एंड लास्ट इज इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें क्या है जैसे 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एच हाइट। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे एज अ फॉर्मूला तो आपको याद इसको रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए ये होगी हमारी चार फिगर्स। अब हम चलते हैं हमारी फिफ्थ फिगर पे। फिफ्थ फिगर कौन सी है हमारी, फिफ्थ फिगर इज स्फीयर। स्फीयर किस फॉर्म में होता है बच्चे, सबको पता है स्फीयर कौन से फॉर्म में होता है, सर्कल, सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। अब इसमें क्या चीज होती है बच्चे, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज रेडियस आर। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, अब इसके फॉर्मूलास क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4πr² ऑलराइट। अब देखिए इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, क्योंकि सर्कल में तो वॉल्स वगैरह कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे, विच इज 4πr². ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चे क्या होगा, 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑल राइट। सो ये हो गया हमारा स्फीयर। लास्ट इज हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम स्फीयर का हाफ करते हैं, अगर एक स्फीयर है आपके पास, एक बॉल है, अगर आप उसको सेंटर में से काट दो तो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर हो जाएगा। सो ये होता है बच्चे हेमीस्फीयर। ऑल राइट, हेमीस्फीयर में भी हमारे पास क्या चीज मेन होती है, मेन हमारे पास इसमें रेडियस होता है, इनर रेडियस। सो दिस रेडियस। ऑल राइट, अब इसमें क्या है फॉर्मूले, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले अलग होते हैं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम नहीं होगा। इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr² और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 3πr². ऑल राइट, एंड देन लास्ट है हमने निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत ईजी है, 2/3πr³, मतलब ये है वॉल्यूम स्फीयर का, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3πr³, यहाँ पे क्यूब आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी अगर सबसे पहले, अगर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, वरना एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो करने से पहले, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, मैं आपसे लाइव क्लास में इसके फॉर्मूला ज़रूर सुनूंगी। ऑलराइट, थैंक यू।